नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कश्मीर कब्जाने के सपने देखने वाले पाकिस्तान को मिर्च तो बहुत जोरों से लग रही है कि कश्मीर उसके हाथों से मोदी सरकार ने यूं चुटकी में छीन लिया, और फिर उसके बाद क्या राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय हर एक प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा उठाने के बाद भी तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आलोचना ही मिली। तो अब पाकिस्तान बौखला गया है और अब कर रहा है घाटी में जहर घोलने का काम। जी हाँ, घाटी में जीरो लाइन पर मौजूद लोगों का अब दर्द छलक कर सामने आ रहा है। लोग बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में डर पैदा कर दिया है। मतलब जहां सामने बर्फ से ढके बेहद खूबसूरत पहाड़ हैं, ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे हैं, वहीं दूसरी तरफ मन में खौफ है कि कहीं पड़ोसी देश से कोई गोला ना आ जाए, क्योंकि सामने पहाड़ों पर बनी है पाकिस्तानी सेना की पोस्ट। और वो सिर्फ इंडियन आर्मी की पोस्ट को निशाना नहीं बनाते बल्कि मासूम निहत्थे नागरिकों के साथ भी बर्बरता को अंजाम देते हैं। बच्चों में डर का माहौल है, किसी भी अजनबी से बात करने से बच्चे कतराते हैं। एक महिला है नसीम अख्तर, जो अपने बच्चे को सीने से लगाए हैं। पति का सिर काट कर ले गए हैं पाकिस्तानी, लेकिन बच्चों को बता ही नहीं सकती कि अब अब्बू नहीं आएंगे। बेबस मजबूर माँ कैसे पिता के साथ की गई इस बर्बरता को बच्चों से छिपाए रखे, ये है घाटी के हालात। नसीम के शौहर जो कि पोर्टर का काम करते थे, उनका तो सिर काट कर ही ले गए पाकिस्तानी, और साथ ही उनके साथ ही पाकिस्तानी बैट एक्शन टीम ने शफीना के पति को भी मार डाला। 6 साल की शादी से अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को कैसे पाल पाएंगी शफीना। पाकिस्तानी सेना का अब जब सेना पर जोर नहीं चल रहा तो फिर सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 6 महीने में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रह रहे 6 सिविलियंस की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हैं। तो क्या पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट निकालने का ये तरीका अपनाया है? क्या सब जगह हाथ पांव मारने के बाद जब पाकिस्तान को कहीं कुछ नहीं मिला तो इस पर उतर आया है? क्या किसी भी देश को पड़ोसी मुल्कों के मासूमों को निशाना बनाना शोभा देता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों पर आप कितना आग बबूला होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।